हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई से किस तरह रन किया जाता है, इस कनेक्शन के लिए मोटर स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, पावर वायरिंग किस तरह की जाती है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, मोटर टर्मिनल कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। यदि हमें मोटर की डायरेक्शन चेंज करना हो तो मोटर की डायरेक्शन किस तरह से चेंज की जाएगी। जैसा कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है और हम थ्री फेज मोटर को रन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मोटर से हम मैक्सिमम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है, इससे हमें थ्री फेज मोटर को रन करना है, तो इसके लिए प्रॉपर मोटर स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। मोटर को यदि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है तो मोटर टर्मिनल कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, कंट्रोल वायरिंग के लिए पुश बटन कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। जैसा कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है और हमें थ्री फेज मोटर को रन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वहां पर कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट। यदि आपके पास 1 किलोवाट मोटर है और इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में आपको 70 या 70 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यहां पर कनेक्ट करना होगा 1 किलोवाट मोटर को रन करने के लिए। यदि आपके पास 10 किलोवाट मोटर है तो आप उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर इस तरह से कैपेसिटर की रेंज निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास फेज एंड न्यूट्रल कंट्रोल एमसीबी में आया है। यहाँ से देखिए, हमें फेज का कनेक्शन लेना है और इसे कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल है। यहाँ से न्यूट्रल लेना है और न्यूट्रल को भी कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से कैपेसिटर कनेक्शन किया जाएगा और मोटर टर्मिनल कनेक्शन किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, मोटर को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है, तो यदि आप मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो मोटर टर्मिनल कनेक्शन है वो आपको डेल्टा कनेक्शन में करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है तो सबसे पहले आप मोटर टर्मिनल को इस तरह से डेल्टा में कनेक्ट कर लीजिए। यदि डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाता है प्रॉपर आप सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप सीख सकते हैं। देखिए, हमने यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मोटर टर्मिनल में डेल्टा कनेक्शन किया है। अब यहां से देखिए, हमें फेज वायर लेना है और इस फेज वायर को सबसे पहले कैपेसिटर में कनेक्ट कर देना है। आप कैपेसिटर का किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, फेज अभी हमने कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। कैपेसिटर का जो सेकंड टर्मिनल है, यहाँ से हमें एक कन्वर्टेड फेज मिलेगा, जिसे ले जाकर हमें मोटर टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। देखिए, हमने क्या किया है, कैपेसिटर से जो हमें फेज मिला है उसे हमें किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो हमारा मेन फेज आया है, इस मेन फेज को ले जाना है और इसे सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, हमारे पास जो कैपेसिटर से एक फेज बनकर हमें मिला है उसे हमने फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट किया है, जो हमारे पास मेन फेज आया है इसे हमने सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट किया है, और जो हमारे पास न्यूट्रल है इसे ले जाकर हमें थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से रन कर सकते हैं। जस्ट आपको वहां पर एक कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। यदि आपके मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आपको वहां पर डेल्टा कनेक्शन करना होगा और इस तरह से पावर वायरिंग करना होगी। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए फेज एंड न्यूट्रल हमें कॉइल में कनेक्ट करना होता है। तो यहां से देखिए, हमने न्यूट्रल वायर लिया है और इसे डायरेक्ट A2 में हमें कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, हमारे पास अभी कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट आ चुका है। अब फेज का कनेक्शन हमें लेना है, तो फेज सबसे पहले जाता है हमारे पास, देखिए, स्टार्ट पुश बटन NC एलिमेंट में। देखिए, NC एलिमेंट में फेज आ चुका है। यहाँ से फेज जाएगा और ये जाएगा स्टार्ट NO एलिमेंट में। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, तो प्रेस करते ही यहाँ से फेज जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल में, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और हमारी मोटर रोटेट करने लगेगी। बट इस कंडीशन में हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो मैन्युअली ऑपरेट होगा। जितनी देर के लिए पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, जस्ट उतने ही टाइम के लिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। यदि हमें कॉन्टेक्टर को परमानेंटली ऑपरेट करना है तो यहाँ पर हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई हम जिस तरह हमेशा कनेक्ट करते हैं, हमें करना क्या है, देखिए, कॉन्टेक्टर की कॉइल से यहाँ पर हमारे पास जो NO टर्मिनल है 13 नंबर,
इस 13 नंबर में एक कनेक्टर हमें कनेक्ट कर देना है। अब होल्डिंग सप्लाई हम या तो एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या एनओ के इनपुट से ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एनसी के आउटपुट से हमें एक वायर लेना है और इसे लाकर यहाँ पर एनओ में कनेक्ट कर देना है 14 नंबर में। अब जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर एक बार ऑपरेट होता है तो ये एनओ एनसी बनेगा, उस कंडीशन में होल्डिंग सप्लाई यहाँ पर आएगी और हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। तो ये जस्ट काफ़ी सिंपल इसकी कंट्रोल वायरिंग हुई है। यदि आप इस तरह से कनेक्शन करते हैं और मोटर टर्मिनल में डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो आप मोटर को क्लॉक वाइज या फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अब यदि आपको मोटर की डायरेक्शन चेंज करना हो तो मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको वहाँ पर स्टार कनेक्शन करना होगा। देखिए आपको करना क्या होगा, जो आपके फर्स्ट 3 टर्मिनल हैं उसे आपको कनेक्टर के जरिए इस तरह से शॉर्ट करना होगा और जो नीचे 3 टर्मिनल बचे हुए उस तरह से आपको सिंपल कनेक्शन कर देना है। जो कैपेसिटर का फेज आया है इसे फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, जो मेन फेज आया है इसे सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है और जो न्यूट्रल है इसे थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल है। यदि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को रोटेट करना है तो आपको डेल्टा कनेक्शन करना है, यदि रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आपको वहाँ पर स्टार कनेक्शन करना है। अब मेन क्वेश्चन आता है, यदि हम 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से रन करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मोटर की नेम प्लेट चेक करना है, वहाँ पर FLC करंट चेक करना है। यदि मोटर का FLC करंट सपोज 10 एम्पियर है तो उसका आप 50-70% मोटर को दे सकते हैं। यदि आप सिंगल फेज से 3 फेज मोटर को रन कर रहे हैं और 3 फेज मोटर का FLC करंट 10 एम्पियर है तो आप सिंगल फेज से चलाने पर उसमें नॉर्मली 5-7 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। नॉर्मली जितना लोड वो 3 फेज में लेती है उसका 50-70% आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मेन एक कॉन्सेप्ट है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो काफी कम होगा। नॉर्मल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसका नॉर्मली 25-30% इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमें देखने को मिलेगा। तो यदि आपके पास सिंगल फेज सप्लाई और आप 3 फेज मोटर को रन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस मोटर पर हैवी लोड कनेक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली 50-70% लोड ही कनेक्ट करना है और यदि आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में आप इस तरह से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली लोड को रन करने के लिए इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सिंगल फेज सप्लाई से किस तरह 3 फेज मोटर को रन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।